आप जब बैठे तो 3 घंटा प्रॉपर पढ़ें, ऐसा नहीं कि बीच बीच में थोड़ा फोन भी चला रहे, थोड़ा बात भी कर लेते हैं, थोड़ा घूम के भी आते हैं 10 मिनट के बाद, मतलब कुछ कुछ काम कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। इसको पढ़ाई नहीं बोलते, इसको सिर्फ टाइम पास बोलते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है प्रॉपर, जितना भी आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है लाइक मोबाइल फोन, टीवी, आपके फ्रेंड या घर में छोटे बच्चे, उन सबसे दूर रहिए 6 मंथ। अगर आप अपनी जिंदगी में 6 मंथ अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं। मिनिमम स्टडी आपकी 9 घंटे की होनी चाहिए। अगर आप 9 आवर्स की स्टडी नहीं कर रहे तो भाई आप रेंज से ऐसे भी बाहर है। एक्स्ट्रा टाइम PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसका बैकलॉग लगा हुआ है वो कैसे ठीक करे, एकदम मैं रामबाण इलाज आपको बता रहा हूं। मेंस 2024 इन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में है और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, मैं कंप्लीट आपको रोड मैप बताने वाला हूं कि बचे हुए 6 मंथ में आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि आपका जो है सिलेक्शन जो है जेई मेंस में हो पाए और आप बेहतर परसेंटाइल के साथ NIT कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। हर एक बच्चा चाहता है, हर एक बच्चा तैयारी भी करता है, लेकिन अक्सर क्या होता है लास्ट के दिनों में कि उनकी परसेंटाइल इंक्रीज नहीं हो पाती है और वो थोड़े से परसेंटाइल के लिए, थोड़े से मार्क्स के लिए वो चूक जाते हैं। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर जेई 2024 का जो है प्रॉपर मैं रोड मैप आपको बताने वाला हूं। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से बुक को फॉलो करना है, कितने देर की आपकी स्टडी होनी चाहिए और कैसे आप PYQ पे प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि लास्ट तक अगर आप जब देखेंगे हमारी वीडियो को तो आपको यह एहसास होगा कि आप भी इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका भी रिजल्ट जेई मेंस में बेहतर होगा। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ड्रॉपर हैं, तो आपके अनुसार से क्या सही रहेगा वो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या आपकी टारगेट होनी चाहिए, क्या आपका सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको अगर NIT कॉलेज में जाना है, NIT कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस चीजों पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। अगर आप मेंस देंगे, आप एडवांस देंगे और आप बोर्ड देंगे, आप क्लियर है? क्योंकि देखो, जो बच्चे ड्रॉपर्स होंगे वो जेई मेंस और एडवांस देंगे और जो बच्चे क्लास 12th में होंगे वो बोर्ड भी देंगे, मेंस भी देंगे और एडवांस भी देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चा, कि आपका जो टारगेट है, आप कितना अचीव करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में ना मेंस की बात करूंगा, ज्यादा मैं पहले मेंस की बात करूंगा, क्योंकि अगर आपका मेंस ढंग से हो जाता है तो एडवांस के लिए आपके पास समय बचता है और आप अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको सुनिए, सबसे पहले बताते हैं आपका जो है 300 का पेपर होता है, 300 का पेपर आपका होता है मेंस का। अब 300 में आप क्या स्कोर गेन कर लेंगे, कम से कम आपको 99% तो लाना पड़ेगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, उससे जब जस्ट थोड़े थोड़े नीचे ही आपका EWS है, OBC है और SC ST थोड़ा सा और नीचे चले जाए, यानी कि 300 में आप 200+ स्कोर गेन करने की कैपेसिटी रखिए, ये आपका प्रॉपर टारगेट होगा, तब जाके आपको 99% आपका आ पाएगा, ठीक है? तो सर, अगर हम ओबीसी वाले हैं तो आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले 180+ स्कोर टारगेट रखिए, तब जाके 98% या 99% के आसपास आपका आ पाएगा, तो आपके अच्छे NIT कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो एकदम से प्रॉपर माइंड में बना लीजिए कि भाई मेरा टारगेट तो ये है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखिए,
इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं है हमारा, प्रॉपर टाइम टेबल सेट नहीं है हमारा, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, हम क्या करते हैं, जब मर्जी करता है पढ़ लेते हैं, जैसे मर्जी करता है वैसे पढ़ लेते हैं। भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम सेट करके पढ़ना पड़ेगा, और इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है मेंस का, वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि मेंस का जो एग्जाम होता है 9:30 से 12:30 होता है, फिर 2:30 से 5:30 होता है, इस तरीके से आपका दो शिफ्ट में पेपर होता है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अगर इस तरीके से सेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। अब करें तो क्या करें सर, मेरा बात माने, अगर आपने अभी तक जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा है चलो ठीक है, यहां के बाद आप एक थोड़ा सा चेंजिंग लाइए। क्या चेंजिंग लाइएगा, तो प्रॉपर आपका टाइम टेबल पे अच्छे से वर्क होनी चाहिए और रिवीजन पे भी तो आपका वर्क होना चाहिए। अब सुनिएगा, मैंने क्या किया है, 3, 3 और 3, यानी कि 3 आवर्स 3 आवर्स और 3 आवर्स, टोटल 9 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए। अभी मिनिमम स्टडी आपकी 9 घंटे की होनी चाहिए। अगर आप 9 आवर्स की स्टडी नहीं कर रहे तो भाई आप रेंज से ऐसे भी बाहर हैं। कोई लोग बोलते हैं कि सर हम कम समय में क्वालिटी वाइज स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर आप कर पा रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समय मांगता है, मेहनत मांगता है। आप अगर समय को वैल्यू नहीं देंगे, अपने मेहनत पे अपना विश्वास नहीं रखेंगे तो भाई मेंस दूर है आपसे। इसलिए आपको 3-3 घंटे के स्लॉट में बैठना है। आप जब बैठे तो 3 घंटा प्रॉपर पढ़ें, ऐसा नहीं कि बीच बीच में थोड़ा फोन भी चला रहे, थोड़ा बात भी कर लेते हैं, थोड़ा घूम के भी आते हैं 10 मिनट के बाद, मतलब कुछ कुछ काम कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। इसको पढ़ाई नहीं बोलते, इसको सिर्फ टाइम पास बोलते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है प्रॉपर, जितना भी आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है लाइक मोबाइल फोन, टीवी, आपके फ्रेंड या घर में छोटे बच्चे, उन सबसे दूर रहिए 6 मंथ। अगर आप अपनी जिंदगी में 6 मंथ अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपनी टाइमिंग को सुधारिए, अपने बैठने की कैपेसिटी को सुधारिए, और बिल्कुल जब भी बैठिए तो 3 घंटा बैठिए, उस दौरान में अपने डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहिए। अब जब 3 घंटा में या तो पूरा 3 घंटा फिजिक्स पढ़िए, या फिर केमिस्ट्री पढ़िए, या फिर मैथ पढ़िए, उसमें भी 1.5 घंटा आप क्या कीजिए, एक बार थ्योरी पार्ट को देख लीजिए फिर क्वेश्चन पे आइए। लाख थ्योरी पढ़ लो, आदमी की रियल औकात जो है क्वेश्चन में ही पता चलती है। तो मेरा बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि थ्योरी पे कमांड जितना रखना है रखो, लेकिन उस थ्योरी को प्रॉपर यूज करना है कैसे, तो आपको क्वेश्चंस में यूज करने, तो इस तरीके से प्रॉपर आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक इंपॉर्टेंट है वो चलिए मैं आपको बताता हूं। अब सुनिए, बुक जाने से पहले एक और चीज, कुछ लोग का बैकलॉग्स भी लगा हुआ होगा और कुछ लोग का और भी इच्छा करता होगा कि भाई मैं कम से कम 11 से 12 घंटे की पढ़ाई तो करूं, तो एक्स्ट्रा टाइम PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसका बैकलॉग लगा हुआ है वो कैसे ठीक करे, एकदम मैं रामबाण इलाज आपको बता रहा हूं, रामबाण इलाज। आपको क्या करना है, अगर आपकी हर दिन की सुबह 7 बजे होती है या 6 बजे होती है मानते हैं, या किसी की 8 बजे भी होती है, आप जब भी उठते हैं, जब भी उठते हैं उससे 2 घंटा पहले आज से प्रॉपर 30 डेज आप उठना स्टार्ट कीजिए, आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, बैकलॉग आपका खत्म हो जाएगा। आप एवरी डे 30 डेज
डेली जब भी आप उठते हैं, और आज से आपको क्या करना है कि 2 घंटा पहले आपको उठना है, तो ये जो 2 घंटा है वो आप अपने बैकलॉग को दे दीजिए, और जिनका बैकलॉग नहीं लगा हुआ है वो 2 घंटा अपने PYQ को दे दीजिए। एकदम से सटीक बात बता रहा हूं बच्चा, सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ता है और सही तरीके से पढ़ता हो, सिलेक्शन उसका नहीं होता है तो मस्ती के साथ पढ़ता, सीरियसनेस के साथ जो पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन होता है, प्रॉपर मेंटर्स के गाइड में जिसका सिलेक्शन होता है। और आपको वो मेंटरशिप चाहिए, आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको देंगे मेंटरशिप। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, PYQ करना पड़ेगा, बैकलॉग से दूर होना पड़ेगा, और ये सारी चीजों आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जेईई मेंस में सेलेक्ट हो पाएंगे और NIT कॉलेज में आप जा पाएंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बुक की बात कर लेते हैं। सर किस तरीके से, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए मुझे? आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि MCM इंस्टीट्यूट का खुद का स्टडी पैकेज है। आप इस स्टडी पैकेज, कंप्लीट स्टडी पैकेज है हमारा, आप अगर ये प्रॉपर बुक को फॉलो करते हैं, जेई ड्रॉपर्स के लिए भी है, आप 12th वालों के लिए भी है, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। आप बस आपको करना क्या है, आप दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, 7992250244 ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, और ये जबरदस्त और कंप्लीट बुक है, एकदम गारंटी कर है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है ये बुक। अब आप समझिए कि एकदम टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस दिया हुआ है, प्रॉपर PYQ भी दिया हुआ है, और एकदम से सटीक बनाया हुआ है। अगर आप उतना कर लेते हैं, अगर मेरे पैकेज को कर लेते हैं तो काफी सफिशियंट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो समझिएगा, आप अगर चाहते हैं, अगर आप कोचिंग का मटेरियल खुद का कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट का कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा अगर कोई आप बुक करना चाहते हैं तो फिजिक्स में HCV और सिंगेज दोनों बहुत अच्छी बुक है भाई। HCV तो एवरग्रीन बुक है, आप समझते भी होंगे, सिंगेज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप HCV कर रहे हैं ये दोनों में से कोई एक ही करिएगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, बुक बहुत सेलेक्टिव होने चाहिए, 10 तरह के बुक से नहीं पढ़ाई करना है, 10 अलग अलग तरह से बुक से नहीं पढ़ाई करना है। बहुत सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, 100 जगह पे 1-1 फुट गड्ढा करने से पानी नहीं निकलता है, 1 जगह पे 100 फुट गड्ढा करने से पानी निकलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 10 अलग अलग बुक बनाने से आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, जबकि 1 बुक को 10 बार बनाओगे तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। इसलिए बच्चों, जो मैं आपको बुक बता रहा हूं उसको 1 बार नहीं 3 बार 5 बार बनाइए, रिजल्ट होके रहेगा। काम की बात, मैथ्स में आपका विकास गुप्ता और विशाल जोशी का आपका ब्लैक बुक आता है और एक सिंगेज बुक आता है, इसको भी आप प्रिफेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान जबरदस्त बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी जबरदस्त बुक है, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT सफिशियंट है। अगर ये नहीं होता है तो आप VK जसवाल का आप बुक ले सकते हैं, ठीक है, ये बहुत मस्त है, बालाजी पब्लिकेशंस का ये आता है, शानदार बुक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, प्रॉब्लम बुक है, मस्त बुक है, आप अगर इतना कर लेते हैं तो सफिशियंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चीज मैंने बोला कि अपने बुक के बारे में, ये भी बुक काफी सफिशियंट है, अगर आप इतना करेंगे काफी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए PYQ, मैंने हमेशा बोला है बच्चों सब कुछ छोड़ दो, PYQ नहीं छोड़ो। अरिहंत पब्लिकेशन से काफी जबरदस्त बुक आया है, और खास करके इतना शानदार तरीके से इसमें दिया हुआ है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये आपका 2002 से लेकर के 2023 तक का है, 22 ईयर्स तक का आपको इसमें गिवेन है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, प्रॉपर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको आप कर लेते हैं, देखिए मेरे पास ये बुक भी है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, मेरे पास ये बुक है, देखिए इसमें ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से एकदम से टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है, और बगल में ये भी मेंशन है
कि भाई 2023 में पूछा गया है, 11 अप्रैल को पूछा गया है, शिफ्ट वन में पूछा गया है, एकदम बहुत शानदार तरीके से। और साथ ही साथ इसमें जो है सॉल्व किया गया है, पेपर को सॉल्व भी किया गया है। आपको किसी से किसी की जरूरत भी नहीं है कि कोई आपको बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत 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 सफिशियंट है बच्चों, ठीक है। तो आप एक चीज और समझिए कि आप जो है, अगर आप एक ड्रॉपर के स्टूडेंट है, आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। ऑलरेडी आपने गलतियां कर रखी है, अब गलती का चांस तो आपके पास है भी नहीं। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं, उनके पास बोर्ड की समस्या है और मेंस की समस्या है। देखो, बोर्ड की समस्या और मेंस की समस्या बहुत बड़ी नहीं है। आप अपने बोर्ड को आने वाले 2-3 महीने बाद बोर्ड को 2 घंटा डेली दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बाकी का समय आपको अपने मेंस के प्रिपरेशन में देनी है और प्रॉपर अच्छे से देनी है, ठीक है बच्चों। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आप अभी किस परेशानी से जूझ रहे हैं और हमसे क्या हेल्प चाहते हैं, क्या सपोर्ट चाहते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए और ये वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैंने अगर अच्छी जानकारी दी है तो हर किसी को पता चलना चाहिए, ठीक है बच्चों। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।